दोस्तों नेपाल के खिलाफ नहीं खेलेंगे जसप्रीत बुमराह, एशिया कप को बीच में ही छोड़कर वो भारत लौटे हैं। दोस्तों पता नहीं इस बार क्या वजह है, लेकिन हम आपको इस वीडियो में सारी वजह बताएंगे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह की फिटनेस हमेशा सवालों के घेरे में रहती है, क्योंकि वो बहुत टाइम बाद, सालों बाद रिकवर होके आयरलैंड के खिलाफ खेले थे, उसके बाद वो दोबारा चले गए हैं भारत। तो बहुत चीजें अब आ रही है कि जसप्रीत बुमराह क्या इस बार भी पूरी तरह से फिट नहीं है, बिना फिट हुए उन्हें खिलाया जा रहा है। तो बहुत चीजें अब मीडिया में आ रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया। भारत को अब अपने अगले मैच को हर हाल में जीतना होगा। भारत को आज नेपाल के साथ मैच खेलना है, लेकिन इस मुकाबले से पहले क्रिकेट फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है। नेपाल के खिलाफ जसप्रीत बुमराह खेलते नजर नहीं आएंगे, नेपाल के खिलाफ नहीं होंगे बुमराह। भारत को आज नेपाल के साथ एक अच्छा मुकाबला होगा जो खेलने वाले हैं। भारत के लिए ये मैच करो या मरो वाला है। अगर भारत नेपाल के खिलाफ जीत दर्ज करने में नाकाम रहता है तो वो एशिया कप से बाहर हो जाएगा। लेकिन इस अहम मुकाबले से पहले टीम के लिए दिग्गज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। वापस लौट चुके हैं वो मुंबई। दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार जसप्रीत बुमराह एशिया कप को बीच में छोड़कर ही वापस मुंबई लौट आए हैं। बुमराह पर्सनल कारणों की वजह से वापस लौटे हैं, वह नेपाल के खिलाफ मैच में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। हालांकि जसप्रीत बुमराह सुपर फोर में होने वाले मुकाबले के लिए वापस श्रीलंका लौट आएंगे। आयरलैंड दौरे से टीम इंडिया में वापसी करने वाले जसप्रीत बुमराह से फैंस को एशिया कप में काफी उम्मीदें भी हैं। अब जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी इंटरनेशनल लेवल पर देखने के लिए फैंस को अभी और इंतजार करना होगा। मोहम्मद शमी नेपाल के खिलाफ मैच में जसप्रीत बुमराह को रिप्लेस करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के खिलाफ शमी को प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला था, ऐसे में शमी के पास नेपाल के खिलाफ खुद को साबित करने के लिए एक शानदार मौका है। दोस्तों ये तो पता नहीं कि पर्सनल रीजन की वजह से गए हैं या फिर कोई इंजरी कंसर्न है जसप्रीत बुमराह को तभी वो वापस गए, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के लिए इंजरी बहुत ही ज्यादा मायने हो गई है, क्योंकि पिछले साल भी उन्होंने एक कमबैक किया था लेकिन वो एक मैच ही खेले थे। फिर बाद में बहुत चीजें सामने आई थी मीडिया में कि जसप्रीत बुमराह को फोर्सफुली, जसप्रीत बुमराह भी फिट नहीं थे उन्होंने भी कहा था, लेकिन उन्हें फोर्सफुली खिलाया गया, लेकिन उसके बाद वो फिट पूरे नहीं हुए, उन्होंने भी छुपाया, बहुत चीजें सामने आई। फिर जसप्रीत बुमराह दोबारा ड्रॉप हुए, फिर उसके बाद वो रिकवरी करते हुए उनको काफी टाइम, कितने मेन इवेंट उन्होंने मिस किए, तब जाके उनको आयरलैंड के खिलाफ मौका मिला। अब वो पूरी तरह से फिट थे लेकिन पिछला मैच तो रद्द हो गया, इसलिए बॉलिंग का मौका नहीं मिला। अब आगे के मैचेस में देखते हैं जसप्रीत बुमराह खेल पाते हैं कि नहीं, अगर फिट हैं तो खेलेंगे। अगर जसप्रीत बुमराह किसी निजी कारण से सुपर फोर के भी मैच नहीं खेल पाएंगे तो समझ जाना कि ये जसप्रीत बुमराह को एक और इंजरी हुई है, वो पूरी तरह से फिट नहीं है। तो देखो आगे के मैचेस में ही पता चलेगा कि जसप्रीत बुमराह के साथ आखिर हुआ क्या है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह को फिट होने के बाद ही पूरा खेलना चाहिए? अपनी अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले।